सोलापूर रंगभवन या ठिकाणी मोठी भीषण आग लागली होती. एमआयएम पक्षाचे शहर व जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुकभाई शाब्दी यांना कळताच एमआयएम पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आग लागलेल्या ठिकाणी आग बुजवण्याकरिता व लोकांची मदत करिता आदेश दिले होते. या आदेशाचे पालन करत एमआयएम पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी रंगभवन येथे जाऊन आग बुजवण्यास लोकांची मदत केली आणि नुकसान झालेल्या लोकांना दिलासा देखील दिला व अग्नितांडोबद्दल माहिती देखील दिली. रंगभवन मस्जिद के बाजू में जो है 3 बजे के दरमियान जो है बहुत बड़ी आग लगी. आग लगने का कारण कुछ लोग बता रहे कि वहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था. वेल्डिंग का काम करते करते कुछ चिंगारा उठकर कुशन के सीट पर गिरी. कुशन के सीट के वजह से आग फैलते हुए तेजी से जो है कम से कम 8 से 10 दुकानों का नुकसान हुआ, जिसमें पूरे दुकान जलकर राख हुए और 3-4 गाड़ियाँ जले और बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे भाई लोगों का नुकसान हुआ है. और प्रशासन भी जो है सही टाइमिंग पर गाड़ियाँ लाने की वजह से बहुत अच्छी मदद मिली है. तो ये आग बुझने में सोलापुर महानगर पालिका और ये तमाम नौजवानों को एक बहुत अच्छी सफलता मिली, जिसमें किसी की भी जान को कुछ हुआ नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. बस ऐसे ही कहीं पर भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसी आग कहीं पर भी ना लगे. पर जो आग लगी यहाँ पर हम आने के बाद में वो हमारे 2 से 5 मिनट के अंदर आग इतनी बड़ी है कि हम किसी को समझ में नहीं आया. तो हमारे यहाँ पर जमीर भाई पत्रकार, हमारे मोहसिन भाई महिंदर जी, हम सब लोग पहले से थे यहाँ. तो बुझाने की कोशिश करने के बाद तो बुझ रही थी नहीं, मस्जिद का पानी लेके वो थोड़ी आग बुझाने का चालू करें. फिर सही टाइम पे प्रशासन आई, यहाँ पे गाड़ियाँ आई पानी के, पुलिस लोग आए, तो सब लोग मिल गए यहाँ. आज जात धर्म का कोई मसला नहीं था. इन सब धर्म वाले इंसानियत के लिए बहुत काम करें, सब लोग की मदद से आज आग बुझी. मैं दुआ करता हूँ सब लोग ऐसे ही मिलजुल के एक दूसरे की मदद करें. नुकसान तो बहुत तादाद में हुआ है, 2 व्हीलर जली है, 4-5 और 10 दुकानें 10-11 दुकानें जली है, इसमें नुकसान हुआ है. लेकिन एक सीख भी मिली अपनों को कि सब लोग मिल कर रहने के बाद कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है. सब लोग मिलने के बाद ही सब सफलता मिलती है. मैं सब लोगों को से यही गुजारिश करूँगा एक दूसरे की मदद करें. और यहाँ पर महापालिका कॉरपोरेशन का जो भी है उनको, पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ टाइम पर आने के लिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.